नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम इस वीक में पूरे करियर के बारे में सोचने वाले हैं, इसी हिसाब से हमने कुछ कॉमर्स में जो भी करियर्स हैं उसके बारे में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं करियर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे कॉमर्स में जो एडमिशन्स लेते हैं उनका एक ख्वाब होता है, उनका एक सपना होता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो इस प्रकार आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना होगा, कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी और एग्ज़ाम देते समय उस एग्ज़ाम में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन सा कोर्स है, क्या करने के बाद हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मुझे आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर इस चैनल में न्यू हैं, नए हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एकेडमिक चैनल है एकेडमिक इंसाइट्स, जो मेरा ये यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस आगे भी जाके मिलते रहेंगी। और जब भी आप वीडियो देखेंगे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में बिना भूले शेयर करना है आपको। उसी के साथ में जो भी कमेंट बॉक्स दिख रहा है उस कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी लिखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कौन कौन सी एग्ज़ाम आपको देना है, कैसे देना है और आपको ये कैसे डिग्री लेना है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हर एक कॉमर्स के बच्चों का ख्वाब होता है, उनका एक सपना होता है। मगर अगर इस सपनों को आपको पूरा करना है तो आपको उतने सारे कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। तो बच्चों, देखते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखना है। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट में सेपरेट बॉडी बनाई है, जिसको हम बोलते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके थ्रू इसका एग्ज़ाम वगैरह और पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों, हम देखेंगे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हम कैसे बन पाते हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम हमें देना है और कौन कौन सी एग्ज़ाम देते समय कौन कौन सा हमें प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। मगर मेरी आपसे और एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको CA में कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है और कैसे हम CA कंप्लीट कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी मिले। तो बच्चों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आगे जाके हम देखेंगे कि CA में कौन कौन से स्टेजेस हैं। जैसे कि हम CA में एनरोल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे तीन स्टेजेस हमें दिखती हैं, और वो तीन स्टेजेस हैं CPT, IPCC एग्ज़ाम और उसके बाद जो होता है वो फाइनल एग्ज़ाम। साथ ही में जब हम ये एक वन बाय वन स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे, स्टेजेस कंप्लीट करते जाएंगे, उसके साथ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और आर्टिकल प्रोग्राम्स भी हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि हम शुरू में जब हम 10th के बाद 12th के बाद एडमिशन्स लेते हैं CA के लिए, तो CPT हमें देना ज़रूरी होता है। अगर हम BCom के बाद CA में एडमिशन लेना चाहते हैं और डिग्री के बाद CA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें IPCC एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ता है, और जब भी हम IPCC क्लियर कर देते हैं तो हमें फाइनल में एडमिशन ऑटोमेटिक मिल जाता है। साथ ही में हमें बहुत सारे कोर्सेज जो कंप्लीट करने पड़ते हैं, यहाँ पे वो मैंने कोर्सेज भी लिखे हैं, तो देखते हैं कौन से कोर्सेज हैं जो हमें कंप्लीट करना है। तो पहला कोर्स है ओरिएंटेशन कोर्स, जो आपको कंप्लीट करना है। साथ ही में जब आप CA में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ओरिएंटेशन के बाद आपको आर्टिकल ट्रेनिंग भी होता है 3 साल का, आपको CA के साथ और CA के अंडर 3 साल तक ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसके बाद ITT ट्रेनिंग भी है, 100 आवर्स का ट्रेनिंग है। उसके बाद GMCS कोर्स है, और जब आप ये पूरी चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे तो आपको मिलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और दुनिया की आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और आपको CA प्रोफेशन में एंट्री मिल जाएगी। सो ये है स्टेजेस बच्चों, तो आपको याद रखना है वहाँ पे 3 स्टेजेस हैं CPT, IPCC, फाइनल एग्ज़ाम। तो इसके बाद आप ये पूरे सारे ट्रेनिंग कोर्सेज करने के बाद आप CA बन पाओगे। तो बच्चों, आज देखते हैं कि CA बनने के लिए, एनरोलमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप कब CA के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाते हो और कब कर सकते हो। अभी नई अमेंडमेंट हुई है, आप 10th के बाद भी CA में एडमिशन ले सकते हो, CA में एनरोलमेंट कर सकते हो, साथ में आप 12th के बाद भी CA में आपका एडमिशन कर पाते हो। अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग आपको एंट्री है। जैसे कि अगर आपने 10th और 12th किया है तो उसके हिसाब से आपको एंट्री भी मिल पाएगी।
उसके लिए आपको सीपीटी के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप अपने डिग्री के बाद बीए बीकॉम बीएससी के बाद सीए में जाना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट आईपीसीसी में जाना पड़ेगा और आईपीसीसी में आप एंट्री कर पाते हो। तो जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, दो प्रकार की आपको एंट्री है। पहला एंट्री है 10th के बाद 12th के बाद, जो आप सीपीटी देके उसमें एंट्री कर सकते हो। सीपीटी क्या होता है, कैसे होता है, हम उसके बारे में एक अलग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आप देखने जाएंगे कि बाबा बीकॉम के बाद कैसे एंट्री होती है। बीकॉम के बाद हम देखेंगे आईपीसीसी में आपको डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, जिसमें आपको सीपीटी देना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये है एंट्री, और इस क्राइटेरिया के बेस पे और इस बेस पे हम सीए में एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको जाना है, अगर आप सीए में आईपीसीसी में डायरेक्टली जाना चाहते हो, अगर ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हो, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, अगर आपने बीकॉम किया है और सीए में जाना चाहते हो, तो उसके लिए कंडीशन है आपको 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपको बीकॉम में 55% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्टली आईपीसीसी में एंट्री कर सकते हो विदाउट अपेयरिंग फॉर सीपीटी एग्ज़ाम। यहाँ पे सीपीटी एग्ज़ाम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ पे सीपीटी में जा सकते, आईपीसीसी में जा सकते हो अगर आपका कॉमर्स है और आपको 55% मार्क्स हैं। अगर आपका कॉमर्स नहीं है, आप अदर देन कॉमर्स हो, जैसे कि आर्ट्स है, बीए है, बीएससी और एनी अदर कोर्स है, तो उसके लिए भी वहाँ पे एंट्री है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी सीए में एंट्री है। तो कैसे बेसिस पे, उनको भी कोई भी डिग्री चलेगा और साथ में उनको 60% मार्क्स का कंडीशन है। तो बच्चों याद रखो कि अगर आपको कॉमर्स के साथ अगर आप सीए में जा रहे हो तो आपको 55% का कंडीशन है। अगर आप कॉमर्स के बिना सीए में एंट्री करना चाहते हो, अगर आपने बीकॉम नहीं किया है, कोई बीए किया है, बीएससी किया है, कोई बीओ का प्रोग्राम किया है, फिर भी आप उसके लिए जाना चाहते हो, तो आपको 60% का कंडीशन है, याद रखिएगा। तो दिस इज़ द, और ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके हिसाब से आपको आगे जाना है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीए कोर्स के बारे में लेंगे। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम सीए कोर्स के बारे में लिया है। बच्चों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बिना भूले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको सच्चे में अच्छा लगा है तो डोंट वरी, और आपको ये वीडियोज़ आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में मेरे वीडियो के बारे में आपको कमेंट भी करना है, ताकि हम आगे जाके इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीटी क्या होता है और उसके बारे में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।